लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। अशोक कुशवाहा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लखनऊ से सीधे अपने गांव पहुंचे अशोक कुशवाहा 1996 में न्यायिक अधिकारी की सेवा में शामिल हुए। जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सलेमपुर गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। न्यायाधीश से रिटायर होने के बाद समाज सेवा करने के लिए भाजपा की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। जनपद के विभिन्न स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करके लखनऊ से सीधे गांधी चौक पहुंचे। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे को हर जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने अपना मुख्य और प्रथम उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की नीति को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना बताया। देवरिया से रमन तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र जो है मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के नीतियों को पालन करते हुए आगे बढ़ाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे ताकि आपादी नीतियों प्रचार प्रसार करने के लिए उनको मौका दिया जाए। ठीक है, तो इसमें जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, जो अनुभव हमारा रहा है माइक से आया, उस अनुभव का मैं प्रयोग जो है जनता के लिए करूंगा और जनता की भलाई के लिए करूंगा। 2024 में से क्या उद्देश्य है आपका? पार्टी का जो आदेश होगा उसके अनुसार।